आइए जानिए अब तक की 25 बड़ी खबरें टॉप 25 में। सीबीआई के सामने आज पेश नहीं होंगे मनीष सिसोदिया। शराब घोटाले में सिसोदिया ने सीबीआई से मांगा वक्त, बोले दिल्ली के बजट की तैयारियों में व्यस्त हूं। सिसोदिया बोले दिल्ली के बजट की तैयारियों में लगा हूं, उम्मीद है सीबीआई मेरा अनुरोध स्वीकार करेगी, बजट के बाद चाहे जितनी बार सीबीआई बुलाए। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दी आज की मोहलत, अगली पूछताछ की तारीख अभी तय नहीं, सिसोदिया ने सीबीआई से मांगा एक हफ्ते का वक्त। गृहमंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का तीसरा और आखिरी दिन आज, शिवाजी महाराज पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि का करेंगे उद्घाटन। आज कोल्हापुर के दौरे पर अमित शाह, एक जनसभा को करेंगे संबोधित, महालक्ष्मी मंदिर में करेंगे पूजन अर्चन। पुणे में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, शिंदे गुट को शिवसेना की कमान देने पर कहा, चुनाव आयोग ने किया दूध का दूध पानी का पानी। पलामू के पाकी में 5 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल, धारा 144 अब भी लागू। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तानी ड्रोन को किया गया ढेर, आवाज सुनते ही बीएसएफ ने की फायरिंग, बड़ी कंसाइनमेंट मिलने की संभावना। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की केवियट, उद्धव के कोर्ट में अर्जी से पहले केवियट दाखिल, ईसी के फैसले पर शिंदे गुट का पक्ष सुना जाएगा, उद्धव ने कहा था ईसी के फैसले को देंगे चुनौती। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का नीतीश कुमार पर पलटवार, कहा बिहार तो संभलता नहीं, कांग्रेस भी भाव नहीं दे रही। नीतीश के 100 सीटों वाले बयान पर बीजेपी ने उड़ाई खिल्ली, कहा सिर्फ सपने देखते हैं, लालू के चक्रव्यूह में फंसे हैं नीतीश कुमार। बाईस फरवरी को होगा दिल्ली मेयर का चुनाव, एलजी ने सीएम केजरीवाल के प्रस्ताव को दी मंजूरी। नड्डा 3 दिवसीय दौरे में मंगलुरु, उडुपी, चिकमंगलूर, बेलूर और हासन का करेंगे दौरा, कई जनसभा समेत बाइक रैली और रोड शो में भी शिरकत करेंगे जेपी नड्डा। कर्नाटक चुनाव के लिए अभी से बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, आज से 3 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कर्नाटक के रामनगर में प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर युवक ने फेंका तेजाब, आरोपी गिरफ्तार। झांसी रेलवे स्टेशन जा रही महिला से स्कूटी सवार युवक ने छीनी चेन, सीसीटीवी में कैद घटना। यूपी में आम आदमी पार्टी ने बुलडोजर आहुति यज्ञ की शुरुआत की, आज सभी जिलों में होगा यज्ञ, यूपी सरकार से जताएंगे आक्रोश। दिल्ली पुलिस सप्ताह के दौरान महिलाओं के लिए बाइक रैली का किया आयोजन, लगभग 100 महिलाओं ने की शिरकत। एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर लगाया 6,100 करोड़ का जुर्माना, यमुना नदी में गंदगी और जल प्रदूषण के लिए जुर्माना। राजस्थान में पीएफआई के पदाधिकारियों पर एनआईए के ताबड़तोड़ एक्शन, जयपुर, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर में एनआईए की रेड। जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, जीएसटी मुआवजे के 16,982 करोड़ अपनी जेब से भरेगी सरकार। देखिए यादव मर्डर केस में साहिल गहलोत के पिता सहित 5 लोग अरेस्ट, सभी पर आरोपी की मदद करने का आरोप। आज से दिल्ली में रागी जे की वापसी, कनॉट प्लेस के इनर सर्कल पर 3 घंटे के लिए यातायात रहेगा बाधित, पिछले 3 सालों से कोविड के चलते किया गया था बंद। चंडीगढ़ में रोज फेस्टिवल बना आकर्षण का केंद्र, देश विदेश से पहुंचे सैलानी। साउथ सिनेमा के जाने माने 40 वर्षीय टॉलीवुड अभिनेता नंदमुरी रत्न का निधन, बेंगलुरु अस्पताल में 23 दिनों से जूझ रहे थे